गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स. सो आज हम आपसे जो चैप्टर थर्ड हमने स्टार्ट कर रखा है आपका क्लास टेंथ एनसीईआरटी का, आज हम एक्सरसाइज 3.4 की हम बात करेंगे. और जितने भी आपके पार्ट पहले हो चुका है, मुझे लगता है कि आपने जो जितने भी आपके प्रीवियस जो भी जितने भी आपके पार्ट्स हो चुके हैं, आपने उसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो अप्लाई किए होंगे. और आपके क्वेश्चंस आपने जो क्वेश्चन है वो अच्छी तरीके से सॉल्व करके जो भी उसका सॉल्यूशन है वो अच्छी तरीके से उसका फाइंड किया होगा. ठीक है, उसमें अगर आपको कोई आपके जो डाउट्स हैं अगर आपके और रह गए हैं उसमें जो डाउट्स, और भी बच्चों ने मुझसे डाउट पूछे हैं उसमें, मुझे बहुत अच्छा लगा है. और जितने भी आपके उसमें डाउट्स और पेंडिंग रह गए हैं तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो जो आपके डाउट्स पेंडिंग और रह गए हैं वो अच्छे तरीके से हम क्लियर कर सकें. सो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले ही बताया था, आपको दो इक्वेशन गिवन होंगी. जो दो इक्वेशन होंगी वो आपकी लीनियर इक्वेशन होंगी, दैट इज़ गिवन इन द टू वेरिएबल, वो आपकी टू वेरिएबल की फॉर्म में होने वाली है. क्लियर है? उसके बाद वो ये कहता है कि हमने फर्स्ट मेथड पढ़ा था उसको सॉल्व करने का, जो कि हमारा 3.3 के अंदर था, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड. कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप किस तरीके से दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखते हो. ठीक है, आई होप आपको सब्स्टिट्यूशन से दो लीनियर इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन हैं वो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं आपको अच्छी तरीके से आ गया होगा. कि अगर आपको दो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन फॉर्म में दी हैं, आप किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाकर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं. सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छे तरीके से सबको आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, नाउ आज हम बात कर रहे हैं अपनी सेकेंड मेथड की, दैट इज द एलिमिनेशन मेथड. जो कि आपका सेकेंड मेथड है किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व करने का, दैट इज योर एलिमिनेशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या था, आपको नाम से ही वह इंडिकेट हो रहा था, सब्स्टिट्यूट्स कि मतलब एक में से वैल्यू निकाल कर और दूसरे में आपको सब्स्टिट्यूट करनी है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड. ये आपका है एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, एलिमिनेट करना, मतलब आपको दो इक्वेशन, देखो वही आ गया आपके पास दोबारा से, आपको दो इक्वेशन गिवन होंगी, दैट इज इन द लीनियर फॉर्म. लीनियर फॉर्म बिकॉज द वैल्यू ऑफ डिग्री इज वन, बिकॉज द वैल्यू ऑफ डिग्री इज वन. एंड इन गिवन टू वेरिएबल x एंड y, दो वेरिएबल में गिवन है, x में भी है और आपका y में भी है. ठीक है, अब वो ये कहता है कि आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. तो अब आज हम बात करने वाले हैं कि एलिमिनेशन से आप किस तरीके से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखते हैं. ठीक है, एलिमिनेशन नाम क्लियर है, करना क्या है आपको, एलिमिनेट करना है. एलिमिनेट का मतलब होता है आपको रिमूव करना है. रिमूव करना है, क्या रिमूव करना है, x और y में से एक वेरिएबल को आपको रिमूव करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है. अब रिमूव किसको करना है ये आपको समझना है, आपकी मर्जी है, आप x को भी रिमूव कर सकते हैं एंड y को भी रिमूव कर सकते हैं. ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम x को ही रिमूव करना अच्छा मानते हैं. ठीक है, तो इस क्वेश्चंस में मैं आपको बताता हूं कि बेसिक एलिमिनेशन मेथड्स लगता कैसे, स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरीके से देखिएगा. क्योंकि एक क्वेश्चन अगर आप इस एक्सरसाइज का समझ लेते हैं, बाकी के जो क्वेश्चन हैं आप खुद से वो कर सकते हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. तो ध्यान से देखिए करना क्या है. ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में करते क्या है, देखो हमारा मेन पर्पस क्या होता है पहले तो वो सुन लो. हम मैं मान के चल रहा हूँ कि मुझे x को एलिमिनेट करना है. ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि मुझे क्या करना है, एलिमिनेट x, मुझे x को एलिमिनेट करना है. क्योंकि नाम कौन सा है, एलिमिनेशन मेथड है, तो हम मान के चल रहे हैं मुझे क्या एलिमिनेट करना है, x को एलिमिनेट करना है. ठीक है, जिसको एलिमिनेट कर, आप हमेशा x को ही एलिमिनेट करिएगा. ठीक है, जिसको एलिमिनेट करना होता है उन दोनों इक्वेशन में उसके जो कॉफिशियंट होने चाहिए वो सेम होने चाहिए. अगर दोनों कॉफिशियंट सेम नहीं है आप उस पे एलिमिनेशन मेथड परफॉर्म नहीं कर सकते हैं. तो देखिए हम यहाँ किसको एलिमिनेट कर रहे हैं, हम यहाँ एलिमिनेट कर रहे हैं x को. फर्स्ट इक्वेशन में x का कॉफिशियंट क्या है, देखो कुछ नहीं लिखा है, दैट मीन्स उसका कॉफिशियंट कितना है जी, वन है उसका कॉफिशियंट. ध्यान रखिएगा, अगर कुछ नहीं लिखा होता है दैट मीन्स उसका जो कॉफिशियंट होता है इज वन.
एक्स का ऊपर वाली फर्स्ट इक्वेशन में कॉफिशियंट कितना है जी, 1 है। सेकंड वाली इक्वेशन में एक्स का कॉफिशियंट क्या है जी, 2 है। क्या एक्स के कॉफिशियंट सेम है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में? सेम नहीं है। आपके फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में एक्स के कॉफिशियंट सेम नहीं है। आपको जिसको एलिमिनेट करना होता है उसके कॉफिशियंट सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं है तो आपको सेम बनाने हैं। आपको सेम कैसे बनाने हैं? उस इक्वेशन को आप किसी चीज से मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट आपको जो उसके कॉफिशियंट्स हैं वो आपको क्या करने हैं, सेम बनाने हैं। तो मैंने देखा, मेरे को x को एलिमिनेट करना था, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर x के साथ 1 लिखा हुआ था, सेकंड इक्वेशन के अंदर x के साथ 2 लिखा हुआ था, दैट इज कॉफिशियंट सेम होने चाहिए। क्या सेम थे? नहीं थे। मैंने कहा अगर मुझे सेम बनाने हैं तो मैंने कहा फर्स्ट इक्वेशन को ना आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 × 1 कितना होता है, 2 आ जाएगा। यहां भी 2 आ गया x के साथ, यहां भी क्या था, 2 था। दोनों कॉफिशियंट क्या हो गए, सेम हो गए। मतलब हमारा जो पर्पस था वो खत्म हो गया। क्लियर है मेरी बात? देखो क्या करना है अब आपको, मल्टीप्लाई यहां लिखना है आपको, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 2। आपको फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करानी है। बॉस साइड ध्यान रखना, देखो 2 से मल्टीप्लाई अगर करवाएंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2x प्लस, यहां भी क्या आ जाएगा, 2y। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई होनी है। यहां 5 था, 5 × 2 कितना, 10। ये आपकी नेक्स्ट इक्वेशन आ गई, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। देखो क्या किया हमने, पहले मुझे कहा गया कि x को एलिमिनेट करना, मैंने अज्यूम किया अपने तरफ से। आप y को भी कर सकते हैं, उसमें नहीं है। आप मोस्टली जो आप क्वेश्चंस करने वाले हैं वो x को एलिमिनेट करके ही करने वाले हैं। जिसको एलिमिनेट करना होता है उसके कॉफिशियंट्स देखते हैं। इसका 1 था, इसका 2 था। मैंने कहा इसको 2 बनाना ज़्यादा आसान है, तो इस इक्वेशन को 2 से क्या किया, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान रखना 2 को इधर भी मल्टीप्लाई करना है और इधर भी मल्टीप्लाई करना है, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई होनी चाहिए। 2x प्लस 2y, 5 × 2 कितना, 10। एक नई इक्वेशन फॉर्म हो गई, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब देखो सेकेंड और थर्ड इक्वेशन में x के कॉफिशियंट सेम है, चेक करो। सेकेंड इक्वेशन में x का कॉफिशियंट क्या है, 2। थर्ड इक्वेशन में x का कॉफिशियंट क्या है, 2। यहां भी x का कॉफिशियंट 2 है, यहां भी x का कॉफिशियंट 2 है। दैट मीन्स हम सेकेंड और थर्ड इक्वेशन पे एलिमिनेशन मेथड को परफॉर्म कर सकते हैं। दैट मीन्स सेकेंड और थर्ड इक्वेशन पे हम एलिमिनेशन मेथड को परफॉर्म कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड उन दो इक्वेशन पे आप परफॉर्म कर सकते हो जिसमें जो किसी एक का कॉफिशियंट सेम होता है। सेकेंड और थर्ड में आपका कॉफिशियंट सेम आ गया, मतलब आप एलिमिनेशन मेथड परफॉर्म कर सकते हो। तो करना क्या है आपको, देखो जोन से इक्वेशन का सेम आया है ना, वो दोनों इक्वेशंस आप पहले यहां सेपरेट आउट लिख लो। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया मैंने, और ये आपका लिख दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 लिख दी मैंने, और ये वाली इक्वेशन नंबर 3 लिख दी। अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है। सब्ट्रैक्शन सिंपल है, साइन चेंज कर दो इसके, प्लस का माइनस इक्वल टू प्लस का माइनस, साइन चेंज कर दिए। अब इनको ऐड कर दो सिंपल, प्लस है ऊपर 2x, नीचे कितना 2x, माइनस का 2x, कैंसिल आउट। ऊपर माइनस का 3x है, नीचे कित, याद ध्यान रखिएगा, देखो आपको नीचे वाला साइन कंसिडर करना है। ऊपर कितने का 3y है, माइनस का 3y, नीचे कितने का 2y है, माइनस का 2y। याद रखिएगा जो साइन चेंज किए हैं आपको वही कंसिडर करने, माइनस का 3y और माइनस का 2y कितना बन जाता है जी, माइनस का 5y बन जाता है, माइनस का 5y। अब उधर चलिए, 4 प्लस का और माइनस का 10 है, 4 माइनस 10 कितना होता है, माइनस का 6। माइनस दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया, और जो y की वैल्यू थी वो कितनी आ गई, 6/5। 6/5 किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब आपको पता है एक वैल्यू आते ही किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड किसी में आप पुट कर दो, आपके पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो मैंने कहा पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
आप फर्स्ट में भी पुट कर सकते हो, सेकंड में भी पुट कर सकते हो, थर्ड में भी पुट कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हो। मैंने कहा फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है, यहां लिख देते हैं हम सिंपल, पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है आपका, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी निकली आपकी, 6/5। तो अब आपको क्या करना है, ये प्लस का है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का है। एलसीएम ले सकते हो कितना, 25 माइनस 6/5। देखो 1 था, 5 इंटू 5 कितना, 25 माइनस 6 का 6 कितना हो गया, 19/5। तो वैल्यू ऑफ एक्स इज 19/5 एंड द वैल्यू ऑफ वाई इज 6/5। तो आपने x की वैल्यू भी निकाल ली है और y की वैल्यू भी निकाल ली है। तो ये हमारा था एलिमिनेशन मेथड से आपके पास जो इक्वेशंस गिवन दी हैं आप उसको किस तरीके से सॉल्व करते हो बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एक बार ये वाला पार्ट मैं दोबारा से आपको बताता हूँ कैसे होता है। देखो चलो दोबारा से स्टार्टिंग से बताता हूँ। आपके पास दो इक्वेशन गिवन दी है, आपको क्या करना है, जो कॉफिशेंट्स हैं वो जिसको मान लो x को एलिमिनेट करना है तो x के जो कॉफिशेंट होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। आपने यहां चेक किया 1 था, यहां चेक किया 2 था, सेम नहीं है तो उसको 2 बनाने के लिए मैंने उसको फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। 2 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद सेकंड और थर्ड इक्वेशन में कॉफिशेंट सेम आ गए, यहां भी 2x आ गया, यहां भी 2x आ गया। जहां कॉफिशेंट सेम आ जाते हैं आपको क्या करना है, आपको वही दो इक्वेशन पे एलिमिनेशन मेथड लगाना है, वही दो इक्वेशन को यहां लिख लेना है, चाहे वो ये वाली ऊपर लिखो चाहे ये वाली नीचे लिखो, वो आपकी मर्जी है, उसमें कोई आपका आंसर पे अफेक्ट नहीं आएगा। अब आपको क्या करना है, जो इक्वेशन नीचे लिखी है ना उसके साइन चेंज करने हैं, यहां प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, अगर यहां माइनस होता तो मैं क्या कर देता, प्लस। बस आपको जो इक्वेशन नीचे लिखी है ना उसके साइन चेंज करने हैं, साइन चेंज कर लिए, ये प्लस का 2x और ये माइनस का 2x कैंसिल आउट, ये माइनस का 3y। याद रखिएगा साइन जब चेंज कर दिए आपने तो नीचे वाले आपको कंसिडरेशन में लाने हैं, माइनस का 3y और माइनस का 2y कितना, माइनस का 5y। 4 माइनस 10 कितना, माइनस का 6, दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया तो y का वैल्यू कितना, 6/5। अब आगे जो क्वेश्चन था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड वाली तरह हो गया, y की वैल्यू कितनी आ गई, 6/5। अब ये y की वैल्यू आपने किसी भी इक्वेशन फर्स्ट सेकंड या थर्ड किसी में भी आप सब्स्टिट्यूट कर दो, किसी में भी आप पुट कर दो और आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। सो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो ये था आपका एलिमिनेशन मेथड कि किस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को, वहां अगर आपको दिया हुआ है कि इस मेथड से आपको सॉल्व करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हो। इसमें हमको क्या करना होता है कि कॉफिशेंट्स जो होते हैं वो आपको क्या करने होते हैं, सेम करने होते हैं। अगर आपने कॉफिशेंट सेम कर दिए हैं दैट मीन्स आप उन इक्वेशंस पे क्या कर सकते हो, वो वाला मेथड लगा सकते हो। एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं मैं आपको, फर्स्ट जो 3.2 का है, फर्स्ट क्वेश्चन का आपका फोर्थ पार्ट है, वो हम एक बार और कर लेते हैं। इसी टाइप का है, स्टेटमेंट आपकी है x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल्स टू -1। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकंड इक्वेशन आपकी है x-y/3 इज इक्वल्स टू 3, दैट इज योर सेकंड इक्वेशन। ये आपकी कौन सी इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन। सो देखो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस में सबसे पहले मैंने कहा था एलिमिनेशन लगाने से पहले आपको क्या करना होता है, कॉफिशेंट्स चेक करने होते हैं। अगर कॉफिशेंट सेम होते हैं तो आप उन दोनों इक्वेशंस पे क्या कर सकते हो, मतलब एलिमिनेशन लगा सकते हो। लेकिन वो मैंने आपको पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन कराया है, आप इस पहले इक्वेशन को ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई का मतलब क्या है, यहाँ पर एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो ताकि जो इक्वेशन है ना वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में मेरे पास आ जाए। तो मैंने कहा पहले एलसीएम ले लेते हैं, 3 और 2 का एलसीएम कितना, 6, 2 कितना, 3, 6, 3 इंटू 2 6 और 2 इंटू 2 कितना, 4। आई होप आपको एलसीएम लेना आता है, ठीक है, 3y प्लस 4y इज इक्वल टू -6। देखो अब जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी ना यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी मैंने, 6 इंटू -1 कितना होता है, माइनस का 6।
क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने के बाद और एलसीएम लेने के बाद जो इक्वेशन है देखो अब आपको दिख रही है, दैट इज इन सिंप्लीफाइड फॉर्म 3x plus 4y is equals to minus का 3, minus का 6, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई ना। तो इस तरीके से जब आपके आ जाते हैं तो आप उसको पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आओ और बाद में एलिमिनेशन मेथड आप प्रेफर करो लगाना। इसी तरीके से यहाँ भी मुझे एलसीएम लेना है, कितने का एलसीएम 3 का, तो कितना बन जाएगा 3x माइनस का y इज इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 3x माइनस का y इज इक्वल टू 3 इंटू 3 कितना 9, दैट इज योर सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन भी हमारे सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुकी है। अब मुझे किसको रिमूव करना है, x को रिमूव करना है। तो चेक क्या करना है आपको फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में, x का कॉफिशियंट, इधर x का कॉफिशियंट क्या है जी 3, उधर x का कॉफिशियंट क्या है जी 3, ये तो पहले से ही सेम आ गया। दैट मीन्स फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन पे आप एलिमिनेशन मेथड परफॉर्म कर सकते हो। मैंने आपको पहले बोला था उन दो इक्वेशंस पे आप एलिमिनेशन मेथड को परफॉर्म कर सकते हो जिन दो इक्वेशंस के जो कॉफिशियंट होते हैं वो सेम आपके आ जाते हैं। x का कॉफिशियंट 3 था, यहाँ भी x का कॉफिशियंट क्या है 3 है, दोनों सेम आ गए, मतलब एलिमिनेशन मेथड को आप परफॉर्म कर सकते हो। तो करते कैसे हैं एलिमिनेशन मेथड को परफॉर्म, वही दो इक्वेशंस क्या करते हैं लूपर लिख लेते हैं, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी और ये हमारी 3x, बिल्कुल एज इट इज लिख लीजिए आप, लिख लिया। अब क्या करते हैं साइन को चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। प्लस का 4y और प्लस का y कितना होता है, प्लस का 5y, माइनस का 6 और माइनस का 9 कितना होता है, माइनस का 15। तो y की वैल्यू आपकी आ गई माइनस की 3, y आ गया। अब y आने के बाद आपको क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो y की वैल्यू और आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। मैंने कहा पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं हम। पहले इक्वेशन नंबर देखो, पुट करने से पहले आप हमेशा ध्यान रखा करो जो इक्वेशन है वो आप पहले लिख लिया करो, बाद में वैल्यू को पुट किया करो। y की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3, अब पुट करो प्लस का 4 और माइनस का 3, तो 3x कितना हो गया, माइनस का 12 और माइनस का 6, 3x माइनस, यहाँ माइनस का था उधर जाकर क्या हो जाएगा आपका प्लस का, ठीक है जी 3x, 12 माइनस 6 कितना 6, 3 इंटू 2 कितना 6, तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका 2, द वैल्यू ऑफ x इज 2 एंड द वैल्यू ऑफ y इज माइनस 3, सो दैट इज योर सॉल्यूशन ऑफ योर गिवन क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको एलिमिनेशन मेथड परफॉर्म करना है। अब आपकी जो इस पार्ट की जो असाइनमेंट है वो क्या है, 3.4 के फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आपका पेंडिंग रह गया है। अब आपको 3.4 के फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आपको करना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट और फोर्थ पार्ट मैंने करा दिया है, सेकंड और थर्ड पार्ट आपको करना है और इससे क्या होगा आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट आपका हो जाएगा 3.4 का। ये पार्ट फर्स्ट था 3.4 का, 3.4 का जो पार्ट टू है वो आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, वो आपका पार्ट टू में आपको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका चैनल बेसिकली जो बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि जो लॉकडाउन की वजह से क्या है आपके जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं वो सब आपके क्लोज हैं, तो आप स्टूडेंट्स की जो स्टडी का है वो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, लॉस आपका हो रहा है। ता उनका जो स्टडी का लॉस ना हो पाए इसलिए हमने अपना यूट्यूब का चैनल जो है नॉलेज नेशन के नाम से स्टार्ट किया है। तो आप जितना हो सके उस वीडियो को शेयर करिए, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। इस वीडियो पर जरूर नहीं है कि आपको क्लास 10th का कंटेंट मिलने वाला है, इस वीडियो में आपको क्लास 10th, क्लास 12 और आपको यूजी लेवल तक का भी इसमें कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आपको लगता है कि और कुछ भी इसमें इंक्लूड किया जाए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, वो भी हम कोशिश करेंगे कि वो चीज़ भी आपकी इसमें इंक्लूड किया जाए। हमारा पर्पस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं इसको आपको इससे जो जितना भी प्रॉफिट आपको ले सकते हैं वो इससे आप जितना भी प्रॉफिट ले सकते हैं वो आप ले, ठीक है, क्लियर है। तो जितना हो सके हमारे इस वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि जो नई वीडियोस आपकी आएंगी उसका आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।